और पीछे बस अब सेक्सी लग रहे हो। मौसम बदल रहा, मेरी तो ऐसी तैसी होगी, मेरे होगी खांसी, होगा मेरे जुकाम और मतलब गले में दर्द सा। मुझे तो ऐसा लग रहा मेरा ओमिक्रॉन तो ना होगा, वैसे मैंने दोनों वैक्सीन ठुकवा रखी है, वो तो मेरे हिसाब से ना हो सके। मेरी हाथ की जो रेखा ना, इसमें भी उम्र बहुत लंबी। अटारिया ने ऐसी तैसी करवा दी मेरी, कल लेगा मुझे सेक्टर 14। मैं कह रहा भाई मुझे थोड़ी सी भूख लग रही, कुछ खुवा दे यार, यहाँ कोई बढ़िया सा मिलता हूँ। यार ओल्ड गुड़गांव में तो भैया सब बढ़िया, कुछ भी खा लो यहाँ का। वहाँ लेगा उस एक आंटी सी है वहाँ पे, कोई वो दुकान वकान सी रखा है, मोमोज वोमोज रखा है, मोमोज रोल वगैरह, उस पर तो मेरे रोल खुवा दिया भाई। रात ना होगा मेरे सिर में दर्द, सुबह उठा सुबह मतलब इस टाइम भी कम होगा अब तो, और सुबह भी सिर में दर्द। मुझे तो ऐसा लग रहा मेरा फूड पॉइजनिंग होगी। कटारे तो घर मत आज, मम्मी काटेगी तूने। सही बात है, एक दिन उसने पेट पे भी मुक्का मारा था, ब्लॉग में देख रही थी मैं। पेट मुक्का ना रहा ऐसे करा उसने। कटारे तो हमारे घर पे ब्लैक लिस्टेड हो चुका, हमारे घर मत आई तू, बहुत मारेंगे हम। मेरा फूड पॉइजनिंग करवा दी, मतलब मुझे पता लगा मेरा फूड पॉइजनिंग हुई, पर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, अब दिमाग खराब हो रहा। कैसे ठीक करोगे आप मुझे, आप में डॉक्टर पर्सनल बताओ। पहले तो कटारे ने कुटूंगी, उसके बाद तेरा इलाज करूंगी। मुझे भी सुबह सुबह कूटा, सुबह सुबह भाई बालक आ जा भाई, यार जितने भी भाई बंधु आते हैं मेरे घर पे भाई थोड़ा सा लेट आ जाए करो, कोई दिक्कत ना मुझे मिलने में, कहते तुम लोग मेरे अंदर ऐट है भाई। सुबह सुबह यार मेरे सो हूं भाई मैं, थोड़ा सा लेट आ जाए करो, 12-1 बजे से अगर आओ तो फोटो वाटो खिंचवा, ऐसे कोई दिक्कत ना। सुबह मैं सोता रहूं और नींद अगर मेरी खुल जावे ना तो भाई मेरे सिर में दर्द हो जावे यार, उसके बाद समझ रहे हो पूरा दिन खराब हो जावे। अब भाई आज का सिस्टम ये है, जो हमारे अनुराग भाई हैं जो जानते होंगे, यूके राइटर 07, जो बीच में वो आमिर माजिद वाला सीन हुआ था, वो आ रखा गुड़गांव भाई, वो उनके घर पे है, जो करण सहगल एक और व्लॉगर उसके घर पे है भाई। उन्होंने कहा भाई एक बार मिल लेते हैं, आपकी गाड़ी देख लेंगे ये वो। मैं कहा भाई बिल्कुल देखो आपकी गाड़ी है, तो अभी एक बार नहा धोके भाई द्वारा जा रहा हूं, टाइम ले रखा 12-1 बजे से का, तो मेरे साथ 11 बज रहा अभी, नहा के अनुराग भाई से मिलवाते हैं आप लोगों को कि भाई मेरे साथ अपनी मोटरसाइकिल पर नहीं, मोटरसाइकिल पर नहीं आ रखा, मैंने पूछी थी, मैंने कही मोटरसाइकिल पर, उन्होंने कहा फ्लाइट से आ रखा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, अभी मिलता हूं भाई से, भाई के द्वारा जा रहे हैं, भाई से मिलवाते हैं और करण भाई भी होंगे उनसे मिलवाते हैं। सारे ब्लॉगर इकट्ठे हो रहे हैं आज, ठीक है तो भाई ना के निकलता हूँ फिर। मेरे हिसाब से मैं पता मेरे सिर में दर्द पेट में दर्द क्यों हुआ है, चलो गैस करो, आप गैस करो फिर मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से तो जो गंदा खाया ना तुमने, नहीं गंदा खाने से तो हुआ ही नहीं, मेरा तो किसी ने नजर लगा दी। ओए मैं चांदनी तो तूने कही क्यों ना, मैं तेरा नजर उतार देती। मेरी नजर लगा दी मेरे किसी ने, मैं गाड़ी लेकर बहुत डोल रहा था कल भाई, बहुत है यहाँ पर चिड़न वाले और कति वैसे वाले गलत आदमी, यार नजर लगा दे जो है, सबसे ज्यादा नजर तो लगा भाई वो पड़ी हो, मेरी नजर उतार दो। अरे कल मेरी आंख लग गई यार, कल भाई मैं जल्दी सोगा, वैसे मैं बहुत लेट सोया करूँ अपने एडिट करके, यो भी मैंने जो वीडियो मतलब ये वाला व्लॉग नहीं एक और व्लॉग है वो मैंने सुबह एडिट करा था, ये देख लो अलार्म रख रखे कि इतने बजे तक ही काम करूंगी रसोई में, उसके बाद अपने अंदर जाके सो जाऊंगी, ये देख लो अलार्म बजगा अब जा अंदर जाके सो जा। अच्छा ये देख लो क्या दूध रख रखा गला उस पे गैस पर रख रखा, कदे उफड़ जाओ उसके लिए अलार्म लगा रखा। तो भाई एक बार नहा के निकलते हैं अनुराग भाई के पास। भाई खाना चल रहा अपना, मम्मी ने बना रखी है रोटी आलू गाजर की सब्जी, यो शाही पनीर क्या कह रहे हैं इसने, अच्छा जी शाही पनीर, अरे यो भाई हरी मिर्च की चटनी, इतना सारा खाना खुआ के मुझे कहाँ भेजना चाह रहे हो आप, इतना सब कुछ बकरे ने खुआ के फिर बकरा काट देख रहे हैं पता आपने। अभी अभी बात हुई भाई अनुराग से, तो करण भाई ने बताई कि उनकी सोसाइटी जो है मतलब जहाँ वो रहते हैं वो कहाँ से उतरना है कहाँ से मुड़ना है। मैं कहा चलो ठीक है भाई, मेरे समझ नहीं आता वैसे तो, मैं कहा पर चल कोई नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, कपड़े भाई थोड़े अच्छे से पहन ले क्योंकि इतनी दूर तक भाई आ रखे ना, सोचेंगे यार एलविस भाई तुम ढंग से कपड़े भी ना पहरे करोगे, कदम उन्हें लग जा कि इस पर पैसा ना बिल्कुल। भाई मम्मी ने मेरी नज़र उतार दी, मैं कहता था ना मेरी नज़र उतार दो, और तुम गैस करो मेरे कितनी नज़र थी, थोड़ी सी भी ना थी इतनी सी भी है, यो कैसे हो सका मेरी नज़र ही ना लग रखी है, आज ना लग रही है तो पहले लगा थी। हाँ, पहले अच्छा टूट टूट करना पड़े कर थी कितनी भाई, जब ये नीचे गिरे ना धड़ 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 धड़, इसका मतलब ये है कि एक मिनट जूम करके दिखाऊं, ये नीचे गिरे धड़ 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 ऐसे करके, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी नजर लग रही है पर एक भी बूंद नहीं गिरी, देखो ये पूरा जल गया और एक भी नहीं गिरी अब तक, इसका मतलब मेरा नजर नहीं है। अरे मेरी नजर क्यों ना लग रही यार, भाई नजर का काम होगा मेरा, अब कोई नजर ना है, मैं हो गया एकदम सुपर एक्टिव अब, मतलब मेरे नजर थी भी ना वैसे सच बताऊं तो। अब अनुराग भाई के पास मैंने करा फोन, भाई कह रहा कि आ जाओ भाई, रास्ता वस्ता समझा रहा था कि भाई यहाँ से ये वाला फ्लाईओवर आएगा तो यहाँ से ये मत करना वो मत करना, मैं सोच रहा मैं कहा भाई मुझे कुछ समझ में ना आवे, मैं गूगल मैप का खिलाड़ी हूँ, गूगल मैप तक जहाँ पहुंच सकूँ मैं, जहाँ पहुंचा जावे अपने तैयार हो गए इस बार थोड़ा, मैं कहा अच्छा सा बन के जाएंगे, मैं कहा इतनी दूर तक भाई यार रखे नू, सोचेंगे यार कपड़े बढ़िया ना पैर का आया तो, देखो मेरे हिसाब से तो सही लग रहा हूँ। तो भाई अब निकल रहा हूँ मैं गाड़ी की चाबी ठाक है अपनी उसकी लेजेंडर की, और चल रहे हैं आप सीधा भाई का दौरे। ये देख लो तुमने कभी अपनी जिंदगी में चोर देखा, चोर है मेरी चाबी खो दी आपने, यहाँ दवाइयों मिलेगी मेरी चाबी भाई, तेरा पर्स यहाँ रखा था, चाबी मैंने ये रखी होगी। देखो भाई वैसे दो चाबी है मेरे पास की, एक तो ये धक्की फॉर्चुनर की और एक और है जो मम्मी ने खो दी, इसने ना लेके जाऊँ, अभी इसने ना लेके जाऊँ, वही चाहिए मुझे
हर बार मेरी चाबी खो दे, मेरा पर्स खो दे, मेरा फोन खो दे, सब चीज खो दे, फिर कह मैं थोड़ी रखती हूँ, मैं थोड़ी रखती हूँ, और जब मिल जाए कहो सॉरी जल्दी बता दो मेरी चाबी कहाँ है ना। अगर तू मेरे सिर पे खड़ा रहोगा तो मैं कैसे ढूंढूंगी तो कभी सिर पे खड़ा मेरे सिर पे ना खड़ा निकड़ा नहीं दे रहा हूँ नहीं जाओ अच्छा जाओ चूहे चूहे तो उकार का मैंने कूड़े में हाँ। ऐसे ना मिले चाबी भाई मेरे सिर में दर्द होगा कहाँ दर्दी याद करो रखी दो बड़ी संभाल के मुझे कहीं ना कहीं वो ना कहीं अब वो आपने मुझे लग रहा कूड़े में फेंक दी नहीं एक सेकंड क्या करूं मैं इसका है क्या करूं किसी कर दूं तेरे आगे अंदर घुस के किसी कर दूं भाई ये मैंने इसमें डलवा लिया 70 मैट ये मतलब पूरे कवर करे हैं ये मतलब कि एज टू एज जो कहे ना देखो यहाँ तक मैट है बीच में ये वाला जहाँ पैर वैर रखे करे मेरी साइड का थोड़ा सा गंदा हो रहा अभी और पीछे भी और उससे पीछे भी ये भाई तुम्हारे भाई ने डलवाए 3500 रुपए में जिसने अपने मैट डलवाने जगह मैं भूल गया कहाँ थी वो अतुल कटारे चौक के दौरे थी और जो मैंने कल लोई ऑर्डर रखी थी अब हमारे दौरे नई लोई है डिजाइनर लोई जो वहाँ तक हिमाचल की लोई है इसने ओढ़ूंगा अगर कहीं डजा ठंड होगी ना इसने कह लेके चलो मेरी गाड़ी में लोई पड़ी रहे अब यो पड़ी रही करेगी डिजाइनर भाई इस गाड़ी चलाने के बाद ना मुझे अपनी वरना कितनी ज्यादा याद आ रही है ना मतलब ब्रेक रो पे कैसे टेढ़ी करके मैं उतारे करता सामने वाला आदमी मेरी आंख में डिपर मारे करता और मतलब इतनी ऐसा रहकर धरती में बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ अभी वो ऐसे पहाड़ सी पे बैठ के चला रहा हूँ भाई मुझे अपनी वरना कितनी याद आ रही है ना ऊपर से जो मेरे वे थे गॉगल्स थे जो बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे मेरी फोटो में लगाऊं वे उसी गाड़ी में रह गए यार और भी मेरी दो तीन चीज थी मेरी बेल्ट रहेगी मेरी जो है सिस्टम उसकी बेल्ट रहेगी तो अरे रुक जा रेडी भाई मेरी इसमें रेडी तो मार मत दी यार तेरी कसम ना मैं बहुत वो हूँ क्या कह उसे अहिंसावादी आदमी पर मारना पड़ जाएगा उतर के ये टू टू बज रही है ना यो शाबाश 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 निकलगी 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 आइए निकलगी भाई गाड़ी निकलगी तुम्हें पता वैसे मैं मारता थोड़ी इसके उतर गया मैं समझाता कि भाई आपने बहुत गलत किया ये देख गाड़ी के नीचे कुत्ता उत्ता डोल रहा है दिखा ना इतनी ऊंची गाड़ी नीचे कुत्ता पर कोई ना कुत्तों से प्यार भी तो करता हूं मैं इनको थोड़ी कुचल देंगे तो भाई मैं निकल लिया हूं वहां पे अनुराग भाई द्वारा मिलन और रस्ते में हूं लाइव लोकेशन ले रखी है उस हिसाब से अपने पहुंच के मिलवाते भाई से सब क्या हाल है एलविश भाई भाई क्या करवा रहे हो फिर मेरे से आज आज एलविश भाई से हम चलाएंगे भाई BMW 1000cc की बाइक एलविश भाई आप बता रहे थे कि आपने स्प्लेंडर चलाया ना भाई मैंने स्प्लेंडर के अलावा नहीं चला कुछ भी है? आज है? तो ये उससे 10 गुना खतरनाक भाई बस नीचे नीचे हम सब बांध देते हैं आपके ताकि हड्डी उड्डी ना टूटे तो भाई आज का सीन ये है कि भाई चलाएंगे मेरी गाड़ी और मैं चलाऊंगा करण भाई की बाइक आपके पास भी सेम बाइक है बड़ी भाई हाँ मेरे पास कंपनी लगे कावासाकी आओगे ना उत्तराखंड फिर आप भाई मेरे को बाइकों की बिल्कुल नॉलेज नहीं आज भाई बताएंगे मेरे को सारी चीज की बाइक हमारी ऐसी चलती है चलती क्योंकि तुम्हें पता मैंने स्प्लेंडर के अलावा कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाई सच्ची बताओ एलविश भाई हाँ सच्ची बता रहा हूँ स्प्लेंडर या फिर स्टैंडर्ड चलाई मैंने इसका बस तो फिर आप बोलोगे मेरे को आज रॉकेट पर बिठा दिया अच्छा जी मेरी फॉर्च्यूनर तेज भक्ति हो मेरी जो बाइक है ना फर्स्ट गियर 178 जाती है और मैक्स कितनी जाती है 1000 किलोमीटर 299 पहले गियर में 178 और कितने गियर है 6 गियर हाँ, लॉक हो जाती है ना इंडिया में 299 भाई साथ है भाई करण भाई की बाइक चला रहे हैं करण भाई क्या हाल है क्या है बढ़िया भाई बढ़िया मैं कह रहा हूँ कौन सी बाइक चला रहे मेरे साथ आज हम चला रहे हैं भाई चला रहे हैं BMW S1000 RR तो ये फॉर्च्यूनर से बहुत तेज भक्ति है वो भाई ये जाएगी 0 से 100 अगर आप भगाओगे तो 3 सेकंड अगर अनुराग भगाएगा तो 2 सेकंड भाई आज बाइक ही चलाई मेरी फॉर्च्यूनर का रिव्यू देंगे भाई लोग और मैं इनकी बाइक का रिव्यू दूंगा तो चलो फॉर्च्यूनर चला रहा हूं एलविश भाई की बाइक भाई मेरी फॉर्च्यूनर गिरा तो नहीं दोगे भाई ड्रैग रेस लग सकती है मर्सिडीज वर्सेस भाई ड्रैग रेस है अभी भाई की बाइक और मेरी फॉर्च्यूनर की और जो जीतेगा उसे एलविश भाई 5 लाख रुपए देंगे जो जीतेगा गाड़ी उसकी तो अपने चैनल का नाम रख लेता हूँ मैं एलविश इंसान ठीक है एलविश इंसान रख लेता हूँ मैं अपने चैनल का नाम 5 लाख रुपए इनाम है भाई ये खड़ी भाई की ये गाड़ी और ये है वो बाइक जो जिसको आज चलाने वाले जिसकी ड्रैग रेस लगी फॉर्च्यूनर के साथ उड़ाना पड़ेगा तभी इसकी आवाज सुनाना भाई एक बार इसमें एग्जॉस्ट देखो हंसना मत इसमें एग्जॉस्ट लगा दिया तो ज्यादा आवाज नहीं आएगी भाई मेरे को कती समझ नहीं आता कितनी क्या आवाज है मेरे को बस ये कि बाइक है और ये BMW की बाइक है BMW मेरी आवाज तुम्हारी गाड़ी में जनरेटर लग रहा है क्या
भाई अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे भाई लेके आ रहे हैं अपनी बाइक और भाई बता रहे हैं कि इनकी मोटरसाइकिल चला लूंगा तो पागल हो जाऊंगा। भाई जल्दी लेकर आओ, कब लेकर आ रहे हो गुड़गांव? फिर एलविश भाई जैसे मेरी बाइक अभी आसाम से आती है फिर मैं एक व्लॉग पक्का रहा एलविश भाई राइडिंग आ रहे हैं। डन है भाई, अभी आपके हिसाब से फॉर्च्यूनर जीतेगी या फिर मोटरसाइकिल जीतेगी? बाइक जीतेगी। अरे यार मेरे को डीमोटिवेट कर दिया, बट फॉर्च्यूनर मैं चलाऊंगा तो क्या पता फिर मैं जीतूंगा ना फॉर्च्यूनर? ओहो फिर तो तुम ही जीतोगे भाई। मैं तो कंफ्यूज हो गया, आपको जिताना है उनको जिताना है। भाई बाहर आ गए हम अपनी फॉर्च्यूनर के पास। भाई ये रास्ता कहाँ से यार, उनकी सोसाइटी तो बड़ी डेंजर यो ना, इधर से आ जाओ। भाई हम बाहर आ चुके अपनी फॉर्च्यूनर के पास, ये खड़ी मेरी गाड़ी और अब सीन ये है कि भाई अपनी लेके आ रहे मोटरसाइकिल, कहाँ गई भाई की? आ रही, आ रही। अब रेस लगेगी फॉर्च्यूनर की और उस मोटरसाइकिल की सफेद कलर की जो बहुत आवाज करती है। ये तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अपने एक्सप्रेशन दिखाओ ना, वो ज्यादा अच्छे। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है गाइस? भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने मतलब बाइक देखी नहीं कभी असली में, चलती हुई ऐसी आवाज करती हुई मैंने बस उसमें देखी मूवीज में। भाई अपने मूवी में देखी, यूट्यूब के चक्कर में अपने सपने सच हो गए। पर भाई ये मोटी मोटरसाइकिल है, मोटी ये चीज, ये ऐसे है ऐसे करके चलाने वाली। मैं कह रहा हूँ भाई अगर ये 2 किलोमीटर बैठ के चला ली कमर दर्द हो जाती होगी। भाई आपको ये कोई मसाज करे वापस आके। भाई ऐसी बाइक्स पे ना हम लोग लेह लद्दाख होके आए, पता आपको? हम लोग नहीं, ये होके मेरी हिम्मत नहीं है तो लेह लद्दाख होके आऊँ। भाई अगर ये वाली बाइक चलानी है ना तो पीछे रखो कोई बढ़िया सी लड़की स्पा वाली जो पीछे कमर दबाती रहे, तब जाके मोटरसाइकिल का फायदा है। मिट्टी भी सारी। अरे ये देख लो ये कहाँ बैठा होगा भाई, इसमें मिट्टी पे बैठाएंगे। आ भी गए शायद वो स्पा वाले। आप तो आगे बैठोगे, मैं तो यहाँ बैठूंगा। इसको पीछे बिठा लो, ये मसाज देता हूं। पीछे तो गिरा दूं भाई, मेरे पीछे मत बैठना। अब भाई ये तो ठीक है, मेरे को ये समझा दो कि अब ये चलेगी कैसे। ये भाई कुछ नहीं करना, ये एक्सेलरेटर है इसी के साथ ब्रेक है। भाई एवरेज कम देती होगी, आपने पेट्रोल भी करवाया था? नहीं, की टंकी बड़ी है, छोटी टंकी भैया 16 लीटर। ये ऐसे चलानी पड़ेगी तो, ये 200 किलोमीटर। और बम पीछे करो एलवेश भाई, और पीछे करो, बस लीन करके एकदम। देखो ये देखो, हाँ तभी फील आएगी एक्चुअली में, डॉगी स्टाइल में चलेगी। अच्छा भाई ये ऑन कर दी, ऑन ही है गए, ऑन ही है भाई। पहले न्यूट्रल करो, रुको देखो गियर है इसका, गियर इसका एक नीचे बाकी ऊपर, एक ऐसे दबाना है और बाकी ऐसे, ठीक है, एक नीचे बाकी ऊपर, ठीक है, और बस बाकी भगवान का नाम, बाकी भगवान भरोसा। भाई मैं एक चक्कर मार के आऊंगा अगर उल्टा ना हो ना तो प्लीज मुझे लेने आ जाना, ठीक है? तो यार अभी करण भाई दे रहे हैं एलवेश भाई को ट्रेनिंग, बिकॉज एलवेश भाई पहली बार ही चला रहे हैं। भाई डॉग स्टाइल में चलानी पड़ रही है ऐसे करके। हाँ भाई बताओ, देखो इसमें ये है कि आपको पीछे वाली, ये पीछे वाली ब्रेक है जो अपनी नॉर्मल सिस्टम है, स्प्लेंडर वाला वही सिस्टम है, बट इसमें आपको पीछे वाली ब्रेक कम यूज करनी है, आगे वाली पूरी यूज करनी है। उठेगी कैसे पीछे से, कैसे उठेगी? नहीं उठेगी, अच्छा उठेगी नहीं, ये पिक्चर धूम वाला नहीं होगा इसमें, नीचे रह जाएगी। बट आपको ये वाली ब्रेक यूज करनी है, ये आपका एक्सीलेटर, एक्सीलेटर भाई इतना यूज करना, इससे गई फिर तो फिर ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे तो नहीं, अगर मैंने ऐसे कर दिया आगे से उठ के पलट जाएगी, बस ऐसे ही। अरे यार ट्रैक्शन ऑन है ना भाई, डरा दिया मेरे को। बट आप फिर भी, मैं राइडर आदमी हूं, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, अब तक मैं राइडर आदमी हूं, अभी देख लेता हूं। ये देखो ये ऑन है, और अगर कहीं गिर जाती है तो भाग गया हुआ से, नहीं वो तो आप कर ही लेना। बाइक को अगर आप छोड़ोगे ना, धीरे धीरे छोड़ना इस पे, ठीक है? किस पे इस पे टिक जाएगी, अगर गिर जाऊंगा, अगर गिर जाएगी तो। अरे नहीं गिराऊंगा भाई यार, टेंशन ले रहा गिरने की, ना गिरे। चलो ये ऑन है, कर दो भाई छोड़ो। एलवेश भाई बस आराम से चलाना, गिरना फरकना मत भाई। मैं 200 से नीचे चलाऊंगा नहीं यार, ऐसा ही है मेरा, मैं सही लग रहा हूँ बैठा हुआ इस पे, मस्त एकदम सेक्सी। तो भाई करें शुरू? यस सर, मैं पीछे बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ रिएक्शन। क्रेजी धूम 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 रोज का, जैसे मैं राइडर तो हूँ, अब उत्तराखंड भी चला जाता अगर तुम मेरे को इजाजत देते तो भाई, वैसे बहुत बढ़िया। कमेंट डाउन करो गाइस, और एलवेश भाई को हम उत्तराखंड राइड पे लेके जाएंगे फिर, मुझे कहीं भी ले चलो भाई। अब मैं वो बन चुका हूँ, क्या कहते हैं उसको, राइडर, प्रो राइडर, प्रो राइडर नाम बदल के रख रहा हूँ मैं, HR07 राइडर, HR26 राइडर। भाई बाइक आपकी बड़ी सेक्सी है, और ये क्या लग रही है यहाँ से, तो एक नंबर लग रही है, आगे से थोड़ी साफ नहीं है, पीछे से अच्छी है। ले जाओ, ले जाओ।
चाय भी दे दो भाई इसकी मुझे लगी हुई है ठीक है मेरे पास है भाई एक और कलेक्शन में ऐड होगी मेरी ये वाली जो कहते हैं ना वे गांव के बालक ने क्या वन मोर टॉय एडेड टॉय ऐड कर लिया अपने कलेक्शन में तो इसको भी लेके जा रहा हूं इसके डिग्गी में गाल के ले जाता हूं इसकी हां भाई आ जाएगी फॉर्च्यूनर है ना फॉर्च्यूनर में सब आ जाएगा छत पे डाल दो एलविश भाई छत पे डाल ले जाओ ना ये सर पे उठाएगा सर पे उठा के इस पे लगा देगा फिर बांध देगा अंदर ले जाएंगे भाई अब आप रिव्यू दोगे क्या मेरी गाड़ी का अब हम फॉर्च्यूनर चलाने वाले हैं एलविश भाई इंश्योरेंस करा देना इसका भाई पहले मुझे चीज बताओ पक्का गाड़ी चला लोगे ना मैं सच बता दूं क्या बोल रहा था है क्योंकि गाड़ी ये थोड़ी पुरानी है तो इसके लिए एक दो डेंट एक दो निशाने टैटू तो बनवा ही देते ना भाई वो कहते हैं ना नजर उतारने के लिए हां वो एक छोटा निशान एक शीशा फुटवा दो है चलो ठीक है भाई आओ अनुराग भाई बैठेंगे भाई अब हमारी गाड़ी में आओ भाई आपको एक्सपीरियंस कराता हूं मैंने इतनी महंगी गाड़ियां चलाई नहीं आज ओ सॉरी मैं इतनी सस्ती गाड़ियां चलाई नहीं आज तक यू नो भाई इसके अंदर मैं बताता हूं इतने फीचर है ना इतने फीचर है गिनवा के वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी इतने फीचर गिनवा दूंगा इस गाड़ी में आओ बैठो तो गाइस कैसा लग रहा है मेरी इतनी महंगी गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर तो ये सर इसकी जो वो है ना सुगंध आ रही है वो बड़ी अच्छी लग रही है और मुझे तो मतलब ऐसे थोड़ा ऊपर से वो सनरूफ को होता है ना वो सस्ती गाड़ियों में वो आता है ना इस महंगी गाड़ियों में नहीं आता ना वो महंगी गाड़ियों में सनरूफ आपका बंद हो रखा ना भाई वो कह रहे हैं कि यार फिर गाड़ी मजा नहीं आता सनरूफ दे दो तो उसमें निकलते रहते छोटे छोटे बच्चे हमारे पास बच्चे ही नहीं है छोटे बच्चे जब होंगे जब सनरूफ लगवा लेंगे इसमें कटवा लेंगे तो भाई करण भाई मुझे एक बात है जो आपकी मर्सिडीज है ई क्लास उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क होगा भाई फर्क है बट ये फॉर्च्यूनर है मतलब मैं मजाक से हट के सही में genuinely भाई मैं फॉर्च्यूनर बस एक मैं आपको बताया ना जब बात कि सनरूफ होते हैं तब बात अलग होती है उसमें तो फिर भी दो है उसमें दो है खुलती आधी है खुलती यही तो नुकसान है दो दे लिए पर आधी के लिए लगा रखी है एसी चलाने के पैसे देने पड़ेंगे आपको एसी है ही नहीं इसमें कूलर लगवा रखे भाई फैन पंखा कहाँ से एक मिनट अभी चला देता हूँ भाई मुंह से देगा लो भाई भाई उत्तराखंड से आ रखा भाई लग रही थोड़ी गर्मी भाई यार एसी चला दो यार एसी वैसे हमने लगवा नहीं रखा आपके लिए अलग से लगवा क्या भाई इसमें फीचर है ऐसे ही मुझे बोल रहे थे फीचर वेंटिलेटेड सीट्स भी है इसमें तो वेंटिलेटेड सीट तो क्या है वो सब में आते हैं ऐसे ये खुद इतना सा और उसके नीचे वो है सामान रखने का सामान रखने का है थोड़ा सिस्टम तो उसमें रख रखा है लगा लो इसमें अरे नहीं नहीं भाई वो ऐसे ही है अब खिलौने भी रखे रहते हैं ना थोड़े गाड़ी एक खिलौना हम सुबह चला रहे थे जो हमारे ब्लॉग देखे उन्हें पता लग जाएगा खिलौने वाला चलाने का नहीं नहीं ये वाला खिलौना चलाने वाला नहीं है भाई ये ऐसे ही है रखने वाला सुबह इसने मुझे 10 गोलियां मारी उस खिलौने से तो भाई भाई अभी बता रहा था कि इनकी मर्सिडीज कितने की एवरेज दे रही है 2000 की भाई 18 की एवरेज दे रही है 18 की एवरेज दे रही है और मेरी जो ये है ये सबसे महंगी गाड़ी दुनिया की ये दे रही है 9 की एवरेज तो भाई पर फायदा नहीं है ना मेरी अगर 18 की एवरेज दे रही है मैं हर जगह ले जा नहीं सकता आप 9 की एवरेज दे रही है अब ले जा तो हर जगह सकते हो भाई आप तो हर जगह लेके जा चुके ऑलरेडी वो तो हिम्मत की बात आज तक नहीं टिकी गाड़ी ना आज तक भाई जिसको लग रहा है कि भाई नीची गाड़ी टिक जाती है भाई की मर्सिडीज आज तक नहीं टिकी आज तक और ये टिक जाएगी एक बारी को पर मर्सिडीज नहीं टिकेगी इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होगा नहीं अरे नहीं भाई वो नीची गाड़ी है पर एक चीज भाई मैं हैरान हूँ मेरे को इसका आंसर देना जैसे मेरी वरना भी नीची है आपकी मर्सिडीज भी नीची है वरना से ऊपर है हाँ नहीं ऊपर तो है ही पर वो क्या कहते हैं उसकी एवरेज ज्यादा कैसे है भाई वो मेरे हिसाब से जो 9 गियर दे रखे ना उसके कारण वो सही टाइम पे और अच्छे से गियर बदलती है तो फिर और अच्छी उसमें 9 गियर है मेरी वरना मेरे हिसाब से 5-6 गियर है 6 गियर है और इसमें भी 6 गियर है जितने ज्यादा गियर उतनी ज्यादा एवरेज भाई ये मुझे काले पड़वाओ ये मुझे भाई आइडिया नहीं भाई को ज्यादा आइडिया होगा बोलेगे काहे की मैकेनिकल इंजीनियर है आप इंजीनियर इज्जत कम होगी जस्ट अभी करण भाई की इज्जत कम होगी नुकर आप इंजीनियर हो मैं तो क्या समझ रहा था आप तो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कोई भाई 5 साल की पढ़ाई भाई एमएटी होने से मेरे दोस्तों ने 5 में करी मैं 4 में कर गया एमएटी ना भाई ने एमएटी गुड़गांव से पढ़ रखे हैं नंबर 1 यूनिवर्सिटी पूरे यूनिवर्स की प्राइवेट नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूरे यूनिवर्स की आपने क्या कर रखा भाई हम तो अच्छे बीएड एमबीए सब चल रहा हमारा और अब क्या बोल लेक्चरर लग जाओगे डॉक्टर बन रहा है नहीं अब टी कॉलेज में प्रोफेसर लग जाऊंगा प्रोफेसर कूल प्रोफेसर टैटू वाला भाई हम तो पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठे एक भाई इंजीनियर है ये भाई बहुत सारी डिग्री इन पे भाई मेरे पास सच बताऊं कुछ ना है इसकी महंगी जिनके पास जिनके पास जिनके पास बीघा में जमीन होती है ना उनको डिग्री की जरूरत नहीं भाई हम बीघा नहीं चलता यहां किले चलते हैं किले भाई हम पे जमीन भी ना कुछ ना हम पे बस ये गाड़ी है ये हमने वो लिया अपने जमीन बेच के जमीन भी बेची तो भाई अब महंगी है ज्यादा तो भाई अपने उसके साथ रेस करवाओगे क्या मेरी करवा लो एस1000 आर के साथ पागल मर्सिडीज लेके आ जाओ करण भाई यहां पे जगह नहीं